हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इधर दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या कर रही हो? मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक पढ़ रही है सुबह उठकर। और इसके पापा भी गांव से आ गए हैं, आज ही आए हैं, सुबह 5:30 बजे आए हैं। अभी वो नहा धोकर तैयार हो रहे हैं दुकान पे जाने के लिए। मैं आप सभी को मिलवाती हूँ। तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और हम आज मॉर्निंग में 5:30 बजे गांव से आए हैं, तो दुकान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे हैं बताएं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ ऐसे तो 4 बजे ही आ जाते हैं ना जी, जी, लेट गाड़ी लेट थी ना, डेढ़ घंटा लेट आया है। आज लेट आया। और दोनों बच्चे उधर लगे हुए हैं, और गांव से बहुत सारा सामान भी लेकर आए हैं। ये देखिए, मैंने खोल कर रखा है, इतना सारा सामान लेकर आए हैं। और इधर इनका बैग रखा हुआ है, तो इसमें तो कपड़े हैं जो लेकर गए थे, और बाकी ये सारी चीज़ें गाँव से आई है। तो क्या क्या है वो मैं आपसे दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, हस्बैंड क्या क्या लेकर आए हैं गाँव से। ये देखिए, ये ना मूंग की दाल है, ये देखिए बिना छिलके वाली। और बहुत सारी दाल है, ये देख लीजिए, करीब 5 किलो दाल है। और जो गांव का दाल होता है ना, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो ये सात सामान भिजवाए हैं। और इधर आलू का चिप्स है, ये देखिए, ये भी घर का ही बना हुआ है। और ये ना चावल काटे से बनाया जाता है, इसको तिलौड़ी बोलते हैं हम लोग, तो ये भी सात सामान ही बनाया है। बहुत सारी अंदर पड़ी हुई है, ये देख लीजिए, ऊपर से चिप्स है, नीचे से वो रखी हुई है। और ये सादा बड़ी है, ये देखिए, ये भी घर का ही बना हुआ है, ये भी बहुत सारी है, इतनी है। और ये एक मिक्सचर का पैकेट है, ये तो हस्बैंड खरीद कर लाए हैं, ये घर का बना हुआ नहीं है। मतलब उधर का ना बहुत अच्छा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, तो इसलिए गांव से ही लेकर आते हैं जब भी जाते हैं तो। और इस टिफिन में है मावा, ये देखिए, ये घर का बना हुआ मावा है, तो ये हमारे नाना जी ने दिया है, मतलब हमारे हस्बैंड से वो बड़ी है, तो हमारी दीदी, उन्होंने भिजवाया है। उनके घर में गाय है और भैंस भी है शायद, तो वही भेजे हैं। ये देखिए, ये ना चूड़ा है, ये देखिए गांव का चूड़ा इस तरह का होता है। और बहुत लोग तो इसको पोहा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग चूड़ा ही बोलते हैं। और ये भी बहुत सारा है, ये देखिए इतनी बड़ी बोरी में है, करीब 8 किलो है। और इसमें से हस्बैंड कुछ लेकर भी गए हैं अभी दुकान पे किसी को देने के लिए। और इसमें भी चूड़ा है, और ये चूड़ा मेरी जेठानी ने दिए हैं, मतलब अपनी जेठानी नहीं है, जो बड़ी सासू माँ है ना, उनकी बहू, तो वही भिजवाए हैं। और इतना सारा सामान है, देख लीजिए, गांव से कुछ भी आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने आपको दिखाया, इतना सारा सामान आया है हमारे गांव से। अभी मैं इसको जा रही हूँ रखने के लिए। फ्रेंड्स, अभी शाम होने वाली है और मैं जा रही हूँ छत से कपड़े लाने के लिए। दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, अभी शाम से फिर से मैं स्टार्ट की हूँ। और आजकल हमारी धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 बज रहा होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं छत पे आ गई हूँ, और आज ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं धोए थे, थोड़े बहुत ही कपड़े धोए थे। तो कुछ कपड़े तो इधर है, कुछ कपड़े इधर भी है। ये देखिए, इसके पापा का बैग भी मैंने धोया था आज। इधर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई है। और ये मैंने सूखने दिया था, ये है 5 फ़ोरन, ये देखिए, ये 5 खड़े मसालों से मिलाकर बनाया जाता है, लोग जानते ही होंगे, नाम बेशक अलग होगा लेकिन हम लोग इसको 5 फ़ोरन ही बोलते हैं। सब्जी में डालने से सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है, तो इसको मैंने सूखने दिया था। अभी मैं इसको थोड़ा सा फटक दूंगी ना, तो इसमें जो नीचे थोड़ा पतला पतला सा रहता है ना कचड़ा, ये देखिए बारीक बारीक सा, ये निकल जाएगी, सूख गई है। सूखा के रखने से ना जल्दी ख़राब नहीं होती, और बहुत सारा है, इस कारण से मैं सबसे सुखा दूँ। अब तो शाम होने वाली है, हो ही गई है समझ लीजिए, धूप चली गई है, ये देख लीजिए धूप बिल्कुल चली गई है। तो अब तो यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी सूख गया है, इसको मैं फटाक देती हूँ।
देखिए फ्रेंड, मैंने इसको साफ कर दिया है। अब इसमें वो नहीं है जो धूल धूल सा था ना, देखिए अब नहीं है, वो निकल गया सारा। और अब मैं इसको डब्बे में रख देती हूँ, इसमें इसमें पूरा भर जाता है, तो इसे मैं रख देती हूँ और उसके बाद फिर कपड़े उठा लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, पचफोरन में जो बारीक वाले कचरे थे उनको मैंने निकाल दिया है, और अभी मैं इनको साइड में रख दूंगी। और इधर मैंने कपड़े भी उठा लिए हैं, तो अभी सभी चीज़ों को मैं लेकर नीचे चलती हूँ। फ्रेंड्स, कपड़े लेकर मैं नीचे आ गई हूँ, और ये छत नहीं है, ये मेरा बालकनी है, यहाँ से भी अच्छा व्यू दिखता है, ये देखिए। और सूरज की किरणें आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप लग रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अंदर ठंडा लग रहा था तो थोड़ी देर यहाँ पे रहूँगी, और उसके बाद फिर बाकी जो काम है उनको करूँगी। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।